हेलो फ्रेंड्स, तो झारखंड नीट यूजी स्टेट सेकेंड राउंड का काउंसलिंग शेड्यूल को जेसीसीबी की तरफ से रिलीज कर दिया गया है, जैसा कि यहां पर आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सेकेंड राउंड में कौन कौन से कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर सकता है, काउंसलिंग शेड्यूल और काउंसलिंग फी कितना है, ये सारा चीज़ इसमें मेंशन किया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम सेकेंड राउंड काउंसलिंग शेड्यूल को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सेकेंड राउंड मेरिट लिस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 4 नवंबर से 6 नवंबर तक भरा जाएगा। फ्रेंड्स, फॉर्म फिलअप करने का लिंक एक्टिवेट हो चुका है, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। फ्रेंड्स, सेकेंड राउंड के लिए चॉइस फिलिंग 9 नवंबर से 13 नवंबर तक भरा जाएगा। अगर आप चॉइस में किसी तरह का मॉडिफिकेशन करना चाहेंगे तो आप 14 नवंबर को कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट लिस्ट 17 नवंबर को रिलीज कर दिया जाएगा और अलॉटेड कैंडिडेट 17 नवंबर से 21 नवंबर तक अपने अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है पूरा सेकेंड राउंड का काउंसलिंग शेड्यूल और यहाँ पे आप लोग रजिस्ट्रेशन फी और काउंसलिंग फी को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, प्रत्येक राउंड में सेम फी लगता है, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब चलिए बात करते हैं कि सेकेंड राउंड में कौन कौन से कैंडिडेट से एलिजिबल है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसमें क्लियर मेंशन कर दिया गया है कि जिस भी स्टूडेंट्स का नेम फर्स्ट राउंड के मेरिट लिस्ट में नहीं है, वे सारे स्टूडेंट्स सेकेंड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। दूसरा, कि जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया है वो भी स्टूडेंट्स सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है, बट जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर चुका है और उसका नाम ऑलरेडी फर्स्ट राउंड के मेरिट लिस्ट में है, उसको दोबारा सेकेंड राउंड मेरिट लिस्ट के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ न्यू कैंडिडेट्स फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये है सेकेंड राउंड काउंसलिंग शेड्यूल का पूरा डिटेल। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को काउंसलिंग के रिगार्डिंग कुछ पूछना है या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, एक इन्फॉर्मेशन और मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि इस साल मैंने जो काउंसलिंग के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हूँ, इससे काफ़ी स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिला है और मिल रहा है जो इस ग्रुप में ऐड हुए हैं। फ्रेंड्स, इस ग्रुप से बेनिफिट ये मिल रहा है कि इस ग्रुप में मैं आप लोगों के हेल्प के लिए कुछ सीनियर स्टूडेंट्स को ऐड किया हूं जो ऑलरेडी झारखंड के अलग अलग मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। और दूसरी बात कि अभी जितने भी स्टूडेंट्स इस ग्रुप में ऐड हुए हैं, वे लोग जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहता है उसको आपस में शेयर करते हैं, जिससे कि इस ग्रुप में ऐड हुए सभी स्टूडेंट्स को हेल्प मिल जाता है। एक चीज़ और कि अभी जिसको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है, वे लोग अपना अपना कॉलेज का इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर रहा है, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है। यदि आप लोग अभी तक हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं और ऐड होना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म को फिलअप करके इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और यदि आप लोगों को कुछ डाउट होता है तो आप हमसे भी पर्सनली कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।